और बाकी तो हम लोग दोस्त हैं ही, इन सब में जितने कलाकार हैं सबसे जूनियर मैं ही हूँ, सबके बाद मैं ही आया था। जूनियर सीनियर की बात की, शक्ति जी की फिल्में आप देखकर बड़े हुए हैं। हाँ हाँ ऑफकोर्स, शक्ति जी मुकेश ऋषि की फिल्में देख के भी बड़े हुए। कैसा आप आज कैसा लगा आपको साथ में, जैसे है पहली साथ फिल्में की? बड़े लोग हैं, इनके पाँव छू, इनके आशीर्वाद लो, अच्छा लगता है। दिल के किस तरह के इंसान है? अरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुकेश हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, मेरा भाई है, और शक्ति जी तो आप सब जानते हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो ये एक तरह से जो फिल्म जो बन रही है इसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सब एक एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ फिल्म बना रहे हैं, और मैं ऑडियंसिस से गुजारिश करूंगा कि हमारे नए डायरेक्टर अजीत वर्मा साहब, नए डायरेक्टरों की फिल्में चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने नए डायरेक्टर उतनी नई सोच, नई फिल्में, नई कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि हमारी फिल्म आप जरूर देखें, रक्त धार। मेरा नाम महेंद्र वर्मा है, मैं एक्शन डायरेक्टर हूँ फिल्म का, और हम क्लाइमैक्स कर रहे हैं यहाँ पे। किस तरह का सीन है और क्या क्लाइमैक्स होगा? क्लाइमैक्स जो होता है हर फिल्मों में, एंड में विलन सबको पकड़ लेता है, मारता है, और एंड में फिर एक हैप्पी एंडिंग है फिल्म का, जो हर फिल्म में क्लाइमैक्स होता है, मार धार, प्यार मोहब्बत, वही चल रहा है। बात करें साथ में कौन कौन आज आर्टिस्ट जो चल रहा है सीन? अभी है मुकेश जी है हमारे, छुड़ाता है क्या है सीन? मुकेश जी है अपना, शाहबाज खान है, एहसान खान है, और अपना और शक्ति कपूर है, नए कपल्स हैं जो नए एक्टर्स हैं, लड़की लड़कियां हैं, संचिता है, और अपना जिमी है। लव स्टोरी है, मतलब दो बताया होगा आपको सबने कि दो विलन हैं जो उनके बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों दुखे बड़े दुश्मन हैं, और एंड में दोनों दोस्त हो जाते हैं, और फिर एक मरता है, एक सेक्रीफाइस करता है, और उसके बाद इनकी शादी होती है। सब फाइट की बात करें, एक वर्मा खानदान जो है फाइट में, टीनू वर्मा हो या हो, तो आजकल फाइट में कितना बदलाव आ गया है पहले और आजकल, क्योंकि कुछ इफेक्ट हैं जो आजकल वैसे कर लिए जाते हैं, कंप्यूटराइज कर लिए जाते हैं, कुछ चीज़ें हैं। हाँ, आज कंप्यूटर कैमरा ट्रिक और CG वगैरह इतना आ गया है, काफ़ी टेक्निक आ गई है, उससे एक्शन ज़्यादा इजी हो गया है, और प्लानिंग करना पड़ता है, पहले बहुत रियल करना पड़ता था, आज वही चीज़ को बहुत टेक्निकली इजी और अच्छा करते हैं, उसका इफेक्ट अच्छा आता है। टोटल मिला के कितनी फाइट देखने को मिलेगी दर्शकों को? इसमें है 4-5 एक्शन है, बट ज़्यादा एक्शन नहीं, स्टोरी है, एक्शन भी है, बट इतना एक्शन नहीं है। Thank you.